भागलपुर आए हैं। नाथनगर विधानसभा में हमारे अजय राय जी प्रत्याशी हैं। हम पार्टी के चुनाव टीम पर चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन का एक समर्थन है। जैसे मैं वीआईपी पार्टी से मैं आया हूँ दो रोज के लिए प्रचार के लिए। कल मैंने प्रचार किया 10-12 जगह पे और आज भी तकरीबन आधे दर्जन जगह पे प्रचार हुआ और भी कुछ जगह पे जाना है और उसी में से समय निकाल के आप लोगों के बीच में हम लोग बात रख रहे हैं। और हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी हैं जिनका चुनाव चिन्ह टेलीफोन छाप है, इसके प्रचार के लिए हम लोग आए हैं और माझी जी भी साथ में हैं और बहुत मजबूती से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और खास करके एक समाज को, खास करके अति पिछड़ा समाज को बिहार में की राजनीति से दूर रखा जाता है तो हमारे माझी जी ने अति पिछड़ा समाज से आते हैं राय जी, उनको टिकट दिया गया है और लोगों में काफ़ी उम्मीद है और हम भी नाथनगर में प्रचार कर रहे। कल हम लोग यहाँ से सिमरी बख्तियारपुर निकलेंगे, वहाँ पे भी वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट दिनेश निषाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे माझी जी दो रोज समय देंगे, वहाँ पे प्रचार करेंगे और मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों का मुख्य एक ही लड़ाई है, एनडीए गठबंधन से लड़ाई लड़ना है, क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार जी सिर्फ विकास का नाम का चोला पहने हैं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास का परिभाषा उनको पता ही नहीं है, सिर्फ विकास विकास करते हैं। उनको सिर्फ कुर्सी का परिभाषा पता है, सिर्फ कुर्सी से चिटक के कुर्सी पे बैठ के बिहार के जनता को, बिहार खास करके बिहार के युवा को कहीं ना कहीं गलत जगह पे ढकेल रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग, ये तो छोटा सा लड़ाई है, उपचुनाव हो रहा है, हम लोग 2020 के लिए पूरे बिहार से संकल्पित है कि बिहार के युवा को रोजगार मिले, बिहार के किसान को सही मुआवजा मिले, इसके लिए हम लोग 2020 के लिए जो हमारी गठबंधन बनी है उस गठबंधन के तहत हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। 12 तारीख को भी हम लोगों का पटना में बहुत बड़ा सम्मेलन था बापू सभागार में, गठबंधन के सारे सहयोगी लोग हम लोग वहां पर उपस्थित हुए थे और भी हमारे माले के साथी सीपीआई सीपीएम का साथी वो लोग भी वहां पे गेस्ट बन के आए थे और आने वाले समय में उन लोगों का भी सहयोग होगा गठबंधन में और हम लोग सब मिलकर बिहार में एक नया विकल्प देंगे। कुछ कुछ जगह ऐसे हो जाता है, अफरा तफरी रहता है, बड़े बड़े नेता लीडर आते हैं, उनसे लोग इच्छा रखते हैं हाथ उठ मिलाने में, उसी में थोड़ा कुछ नाराजगी हो गया, बट ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और सर आपके इसे बैनर में महागठबंधन लिखा हुआ है, बाकी सभी है लेकिन राजद के कोई नेता नहीं है। हाँ, ये बात आपने सही कहा। तो जैसे कि आपको पता है कि महागठबंधन का जो स्वरूप है सब पार्टी के साथ मिलके है और इसमें यहाँ पे खास करके नाथनगर में हमारे राजद की तरफ से भी उम्मीदवार रखा गया है और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। राजद बड़ी पार्टी है बिहार के और हम लोग उपचुनाव जो 6 जगह हो रहा था, 2 जगह जिसमें कांग्रेस का अधिकार था क्योंकि उनका वहां सिटिंग कैंडिडेट था, तो 2 जगह वो लड़ रहे, उसके बाद 4 सीट बना, उस पर हम लोग पहले से आपस में डिसाइड किए कि सब आदमी, 4 पार्टी है, चारों आदमी एक एक जगह अलग अलग जगह पे चुनाव लड़ेंगे और सहमति बन चुका था। लास्ट आवर में आरजेडी का डिसीजन होता कि हम चारों जगह चुनाव लड़ेंगे और हम लोग गठबंधन के तहत एक ही जगह पे हम चुनाव लड़े, सिमरी बख्तियारपुर पे। माझी जी भी गठबंधन के तहत एक ही जगह नाथनगर में चुनाव लड़ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं लड़ रहे हैं और कांग्रेस 2 जगह लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आरजेडी के साथी राजद की तरफ से 4 जगह उम्मीदवार है, हम अभी भी उनसे उम्मीद रखेंगे कि 2 जगह अपने कैंडिडेट को वापस कर ले, खास करके नाथनगर और सिमरी बख्तियारपुर पे, और बाकी जगह गठबंधन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ जगह पे जब उनका भी कैंडिडेट है यहाँ नाथनगर में तो हम लोग उचित नहीं होगा कि उनका फोटो लगाएं, क्योंकि उनकी कैंडिडेट अपना फोटो लगाएंगे अपने नेता का। रहा बाकी हमारे साथ उपेंद्र जी है तो उनका फोटो आपको दिख रहा, कांग्रेस पार्टी है तो सबका फोटो दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग और फ्रेंडली फाइट दोस्ताना संघर्ष यहाँ पे होगा और गठबंधन में कोई दरार नहीं है। हमारी लड़ाई एनडीए से है, यहाँ पे हमारी आरजेडी से लड़ाई नहीं है, आरजेडी तो हमारे साथी है, हमारे सहयोगी है, आने वाले समय में हम उनके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, 2019 में भी लड़ाई लड़े, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा परिस्थिति बन चुका है कि उनका भी कैंडिडेट है तो अभी भी हम उम्मीद रखते हैं कि अभी भी समय है 1-2 दिन यहाँ पे, अभी भी वो अपने कैंडिडेट को बैक कर ले, क्योंकि बड़ा सहयोगी है, बड़ा भाई है और बड़ा भाई का फर्ज बनता है कि छोटा भाई को साथ लेके चलने का, उनको भी मुआवजा देने का, उनको भी जगह देने का, क्योंकि उनके पास विधायक का कमी थोड़े है, 80 विधायक है और उसमें एक वीआईपी का एक विधायक बन जाए, एक माझी जी का बन जाए तो ये तो हम लोगों के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और ये उपचुनाव है, सिर्फ 8-9 महीने का ही चुनाव है, तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं,
कुछ कोऑर्डिनेशन में अभाव के कारण उन्होंने कैंडिडेट को यहाँ पे लॉन्च कर दिया। हम उम्मीद करेंगे कि अपने कैंडिडेट को। सर, आप बोल रहे हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तेजस्वी जी भागलपुर में रोड शो के साथ साथ जनसभा भी कर रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करें कि वो अपने कैंडिडेट को वापस देंगे? हमने तो कह दिया ना कि दोस्ताना संघर्ष भी हो सकता है, दोस्ताना नहीं वापस लेंगे। समझदारी वाली बात तो ये है कि सब एक दूसरे को एक कदम पैर को पीछे घसकाना चाहिए, और हम लोग एक ही जगह लड़ रहे हैं। अगर हम चार जगह लड़ते तो निश्चित तीन जगह हम अपने कैंडिडेट को वापस कर लेते। हम एक ही जगह लड़ रहे हैं, माजी जी भी एक ही जगह लड़ रहे हैं, हमारे बड़े साथी चार जगह, तो उन्हीं को अभी दो जगह से अपने पैर को पीछे करना चाहिए। और नहीं करते तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहाँ पे दोस्ताना संघर्ष होगा। और हमारी लड़ाई एनडीए से है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू जो 15 साल से बिहार को कहीं ना कहीं युवा को किसान को गुमराह कर रहे हैं, उनसे हमारी लड़ाई है कि उनको हम लोगों को 2020 में बाहर फेंकना है और हम लोगों को बिहार में महागठबंधन एक बेहतर विकल्प की ओर आएंगे। तब तो लग रहा है कि आप लोगों से बातचीत में मतभेद है, महागठबंधन में मतभेद है? नहीं, मतभेद होता तो बगल में तेजस्वी जी भी रहते, थोड़ा सा तो है, ये बात से आपकी बात से इनकार नहीं कर सकते, थोड़ा सा है। और हम लोग को लगता है कि ये थोड़ा सा है, इसको हम लोग आने वाले समय में सही कर लेंगे। तेजस्वी जी आज एक और बात बोले कि वो अपना अपना ताकत दिखा। हाँ तो ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी दिख जाएंगे, इनके पास कितना ताकत है वो भी दिख जाएंगे, इसमें कोई इशू है। और हम लोग आपस में एक दूसरे को पता है कि इसके पास कितना ताकत है, लेकिन हम लोग देखेंगे एनडीए को, हम लोगों को तो आपस में सबको पता है, तेजस्वी जी को भी पता है, हमको भी पता है, सब एक दूसरे को पता है कि इनके पास कितना ताकत है। आज आरजेडी के पास ताकत नहीं होता तो हम थोड़े उनको बड़ा भाई बोलते, उनके पास भी ताकत है, बड़ा भाई तो हम मान ही रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु है। इसलिए तो बिहार के 40 लोकसभा सीट पे आधे सीट पे वो चुनाव लड़े और हम चार पार्टी मिलकर आधे सीट पे चुनाव लड़े, तो उसमें किंतु परंतु नहीं है। रहा कि अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे भी कैंडिडेट का स्थिति बहुत अच्छा है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इसको बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है, खास करके वीआईपी पार्टी के भी सारे पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारे माजी जी का जितने भी संगठन है सारे काम कर रहे हैं, अजय राय जी खुद पंचायत के मुखिया हैं, इनका भी एक अपना जनाधार है, तो बहुत अच्छा स्थिति है हमारे। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? समर्थन ही है, महागठबंधन से देखिए फोटो लगा हुआ है, उसमें कोई किंतु ये नहीं है। ठीक है, माजी जी पूछिए।